बलवान शर्मा श्री सनातन धर्म प्राचीन समुद्र मैना चौक। आज नवरात्रे पहला दिन है। माता भगवती प्रथम शैल पुत्री से पूजी जाती है। कोई भी माता बहन आज नवरात्रे रखते हैं, इसमें फलाहार होता है, अन्न नहीं खाना होता है। और जो बीजते हैं घर में माता की खंड जो जलानी चाहिए, और एक समय या भोजन में कोई नहीं रह सकता तो एक समय भोजन करके भी व्रत रख सकता है। माताएं उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कोई भी इच्छा किसी की अधूरी हो, कार्य सफल नहीं हो रहा हो, कोई भी कार्य अटका हो, माँ के नवरात्रे का पूजन करे। रोजाना कंजका जी में आए, एक कंजका डेली पूजा करे। प्रथम शैल पुत्री, द्वितीय दो को, तृतीय को, नौकेदन माता की पूजा करे। उसके बाद हवन पूजा पाठ कंजके जी में आए। जो भी आप श्रद्धा भाव से भक्ति से करना चाहते हैं, माता उसकी इच्छा पूरी करती है। यहाँ सवेरे 7 से 8 हम सुबह माता की पूजा करते हैं, सभी भक्त आते हैं। यहाँ बहुत प्रथा शुरू से चली हुई है माता की, विशेष करके यहाँ सवेरे 7 बजे पूजा शुरू होती है, 8 बजे आरती पूरी करते हैं। सभी आते हैं और अलग अलग भक्त आकर के पूजा कराते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पूजा कराते हैं। कोई भक्त आना चाहता है मैना चौक में, सवेरे 7 बजे से लेकर के 8 बजे पूजा होती है, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद प्रसाद वितरण करते हैं। मतलब हमने जो विजय हुए हैं, मतलब सभी मतलब विधि के साथ पूजा पाठ करते हैं। कोई भी भक्त आना चाहता है तो इच्छा के अनुसार आप पूजा करें। हम व्रत रखते हैं, उसने व्रत रखना चाहिए, नहा धोकर के पूजा करे, माता का मतलब गुणगान करे, जो भी कथा या कोई भी चालीसा सप्तशती का पाठ करना चाहे तो करे, फलहार करे, अन्न नहीं खाना होता इसमें व्रत में। विशेष करके फलों का है, किसी सदन से नहीं रह जाता, कई बार स्थिति के अनुसार शरीर नहीं काम करता, उसने एक टाइम भोजन करके व्रत रखा जा सकता है। हाँ जी, जोड़ा की पूजा भी होती है, मतलब कई बार नौ के नौ नहीं रखे जाए, शरीर की व्यवस्था के अनुसार जोड़े की पूजा करे, जोड़े का फल मिल जाता है सारे जो करना चाहे तो। ऐसे मतलब एक तो नारियल रखा जाता है जी, और जो बीजे जाते हैं कलश स्थापना, पानी का घड़ा रखा जाता है, वहाँ माता की मूर्ति, नौ मूर्तियां रखी जाती है, नौ की मूर्ति आती है बड़ी बनाई, माता का तिलक करे, पूजा करे, जो फल रखा जाता है या तो गऊ को या कंज का वो दे, नीति नियम बैठ करके वहाँ चालीसा आरती जो भी अच्छी श्रद्धा भाव से करे उसको फल अवश्य मिलेगा। जो छील करके नारियल रखना चाहिए डेली, कई बार लग जाता है, तिलक जाता है, माता पूर्ण कर देती है, उसको बांट देना चाहिए। सही भक्तों को कंज का वो वैसे बांट देना, रोज छील के रखे, जब लग जाए नया रखते रहे, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। विशेष करके नारियल कैसा होना चाहिए? नारियल छील के पानी वाला नारियल होना चाहिए जी, छील के रखना चाहिए, तभी लगेगा वो। छील के रखोगे तभी पता लगेगा अपने को, लगे तिलक जाएगा, जैसे मतलब आप फोड़ते ना ऐसे तिलक जाएगा जी, वो इस भाव से रखना नहीं रखना चाहिए, वो वितरण कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, कंजका को बांटो, आप बांटो, सब परिवार को बांट देना चाहिए।